नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस से एक मार्मिक प्रसंग उठाया है। उस प्रसंग से आज के जीवन में, मतलब कहें तो लोगों के बीच में एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो समस्या है शत्रु। आजकल लोगों के बीच में अच्छे व्यवहार के चलते अचानक शत्रुता हो जाती है। तो दोस्तों, इसी विषय पे एक मैं इसका उपाय आपको बताता हूँ, जिससे आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी ताकतवर शत्रु हो, उसका मिनटों में नाश हो जाएगा। नाश मतलब ये नहीं है मेरा मतलब कि वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब शत्रुता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि शत्रु कितने ही प्रकार के होते हैं। पहले दो शत्रु होते हैं जो अपने अंदर होते हैं, ईर्ष्या और द्वेष, जिनके रहते हमारे बाहर शत्रु बनते हैं। उसी प्रकार जैसे हम कामयाब हुए, हमारा कारोबार बढ़िया चल रहा है और हम अपने काम में मस्त हैं, हमारा ध्यान उधर उधर कहीं नहीं है, हम सिर्फ अपने काम में लगे हैं, तो जो हमारा मिलने जुलने वाला या करीबी है ना, वो इस चीज़ को देखता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या या द्वेष जन्म लेता है और वो हमारी इस कामयाबी से धीरे धीरे कटने लग जाता है और एक दिन वो प्रबल शत्रु के रूप में हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और हमको हमारी उस कामयाबी से नीचे गिराना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक कामयाब व्यक्ति को उसकी टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं, एक करता अनेकों शत्रु ऐसे हो जाते हैं। तो जब शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी और वो व्यक्ति उनसे अनजान है, तो उनसे कैसे वो निपटेगा, तो उसका उपाय क्या? तो ऐसा ही एक उपाय अचूक, अमोघ, जिसका जाप करने मात्र से उसका फल तो मिलना ही है, उस फल को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा ये उपाय है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप कर लें, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और वो आपके सामने आते ही वो अपना रास्ता बदल लेगा या उस रास्ते को छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति छीन हो जाएगी। तो दोस्तों, रामचरितमानस की एक चौपाई है जो अपने आप में महामंत्र है। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। तो दोस्तों, श्री राम जी के छोटे, सबसे छोटे चौथे नंबर के भाई शत्रुहन, उनका नामकरण ही शत्रु का हनन, उनके नाम से ही शत्रु का सारी शक्ति छीन हो जाती है। तो दोस्तों, ये चौपाई या मंत्र या इसका जाप कैसे करना है, वो विधि मैं आपको बताता हूँ।
इसका जाप करने के लिए आप सुबह नहा धो के जब फ्रेश होते हैं तो अपने पूजा स्थान में जाइए और नित्य आपकी जो भी पूजा पाठ है वो अपना पूरा करके उसके बाद आपको अपने स्पेशल ये जाप के लिए या इस चौपाई को करंट करने के लिए, हम यूँ कहें कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको लाल कपड़े धारण करने हैं। अगर लाल कपड़े नहीं है तो एक खेस होना चाहिए जो कंधे पे, नहीं तो लाल रूमाल ले लें, कुछ एक ऐसा होना चाहिए। और आसनी कोई भी चलेगी। आपको एक घी का दिया जलाना है और भगवान शत्रुघ्न के सामने आपको प्रार्थना करनी है। ये जाप शुरू करने से पहले आपको गणपति और हनुमान जी के सामने ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ये जाप करने जा रहा हूँ और इसको सफल करें, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो हमको माफ़ करें और ये मेरी पूजा को सफल करें, इसमें मुझे मदद करें आप। घी का दीपक जला लें, तुलसी की माला, एक माला करनी है आपको, एक माला मतलब 108 मंत्र, 108 बार मंत्र करने से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है और ये मंत्र काम करने लग जाता है। जब ये पूरा हो जाए तो या तो कंडा जला के रखें, और कंडा अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरा दिया तैयार रखना जिसमें वो दिया जला दें और थोड़ा सा कपूर उसमें डाल दें। कपूर डाल देने से उसमें अग्नि थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी जो आहुति है वो आसानी से उसमें दी जा सकेगी। तो दूसरे दिया में आप ये लौंग और गुड़ की आहुति दे दें, इससे शत्रुघ्न प्रसन्न हो जाते हैं। और ये करने के बाद आपको हाथ जोड़ के चुपचाप उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा जो भी शत्रु है, अंदर का बाहर का जो भी, हम जिसको जानते हैं, हम जिसको नहीं जानते हैं और वो शत्रुता रखता है, इन सब से मेरी रक्षा करो। बस यूँ समझिए कि आपका काम हो गया। शत्रुओं से आपको डरने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौपाई ये कह रही है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, मतलब ये शास्त्र और वेद सम्मत है। हमें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये चौपाई अपने आप में इतनी सक्षम है कि शत्रु आपका सामना तो दूर, आपके आसपास से भी नहीं गुजरेगा और आपके रास्ते की जो भी रुकावटें हैं ना, सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप ये करते रहिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि आपका सामना शत्रु से होगा या फिर नहीं भी लगता है, अचानक शत्रु सामने आता है, तो आपको घर से ये उपाय करके निकलना है। घर से निकलने से पहले आपको 5 बार इस चौपाई का जाप करना है और अपना दायां पांव देहरी के बाहर निकालना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं और आपको चले जाना है। आप दोस्तों ये विश्वास रखिए, अगर शत्रु सामने भी आ जाएगा ना तो वो आपके सामने नहीं आ पाएगा, और अगर आएगा तो शत्रुता को भूल जाएगा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र में इतनी ताकत है, आप एक बार करके तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है।
और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। जैसे कि कोई आप जिस रास्ते चल रहे हो तो कोई एक ऐसा भी चल रहा है जो उस काम को अपने आप करते हुए चल रहा जा रहा है। दोस्तों, एक चीज शायद हम भूल जाते हैं कि जितना हम जो कर रहे हैं ना वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने ऐसी कोई देवी शक्ति को भी अपने साथ में ले लिया है जो हमारी मदद कर रही है, और वो जब साथ में हो तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई बाल वांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये उपाय है, और इस उपाय को आप एक बार करके देखना। आप ये कहेंगे कि नहीं, हमारा ये काम सफल हो गया, और सफलता 100% आपको मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा हो या ना लगा हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते रहिए लोग दोस्तों, जय श्री राम।